जब से पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट पर वारिस पंजाब दे के चीफ अमृतपाल सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से पूरे देश की नजरें इस सीट पर हैं कि आखिर यहां पर होगा क्या। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि अमृतपाल वही चेहरा, वही बोरा जो खालिस्तान की मांग करता है। क्या यहां पर खालिस्तान इतना बड़ा मुद्दा है? हम जनता का मूड भांपने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार खडूर साहिब लोकसभा सीट पर इस बार पंथक राजनीति की वजह से अकाली दल जैसा दल, उसके उम्मीदवार भी एक सियासी चक्रव्यूह में फंसकर रह गए हैं। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? क्या यहाँ पर खालिस्तान एक बड़ा मुद्दा है? हमारे साथ कुछ ग्रामीण जुड़े हैं, गांव का नाम भी उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है। सबसे पहले तो हम कौन से गांव में आप बताएंगे और उसके बाद मुद्दा क्या है इस बार खडूर साहिब लोकसभा सीट पर आप लोगों का? नौशहरा पनवा पिंड है जी, ब्लाक है तरन तारण जिले रह के जी। मुद्दे जेडे आ सब तो वे साडे आ मुद्दे जेडे बेदबियां दे आ, उरों दूजे नंबर ते जिहड़ा वा नशियां दा मुद्दा वा। नशियां तो बाद जिहड़ा वा साडे पंजाबी बोलदे इलाकियां दा मुद्दे आ, पंजाब दी राजधानी दा मुद्दा वा, भाखड़ा डैम दी मैनेजमेंट दा मुद्दा वा। जिहड़े पंजाबी बोलदे सानूं इलाके नहीं मिले उह वी सानूं मिलने चाहीदे आ। जिहड़े केंद्र सरकार कांग्रेस सरकार ने दरबार साहिब ते हमला कीता सानूं उहदा इंसाफ ही मिलना चाहीदा। जिहड़ा दिल्ली सिख कतलेआम होया सानूं उहदा इंसाफ ही नहीं अजे तक मिलिया। मुद्दे ही मुद्दे आ साडे कोल। अमृतपाल के चुनाव लड़ने से कितना कुछ बदल गया यहाँ पर? क्या सियासी समीकरण बदले हैं? पंथक राजनीति ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, कितना माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है? देखो मैम, अमृतपाल सिंह खालसा जो उसने माड़ा काम तो कोई किया नहीं है। उन्होंने नौजवानी को जो नशे कर रहे था उनको गले में लगाकर उनका नशा छिड़वा दिया और कौम को अमृतधारी जो हमारे सिख धर्म में जैसे हिंदुओं में जनेऊ पहनते हैं, मुसलमान सुन्नत होता है, हमारा जैसे जे भाई साहब ने गात्रा डाला है ये हमारी कृपान है, ये गुरु साहब ने हमारे को बख्शिश किया है, वो अमृतपाल यही पवा रहा सी, नौजवानी को अपने नाल जोड़ रहा सी, नशे से दूर हो रही सी नौजवानी, जो माझे इलाके में नशा बहुत है, इस करके अमृतपाल। पर अकाली दल के सुप्रीमो कह रहे हैं कि वो तो आरएसएस के एजेंट हैं। अकाली दल का सुप्रीमो पहला आप बताए कि वो किसके एजेंट है? दरबार साहब के हमला होया हमारे अकाल तख्त साहब के, और इंदिरा गांधी को लेटर लिखने वाले इनके बाप सुखबीर सिंह बादल के प्रकाश सिंह बादल, और बेदबियां हुई इनकी सरकार के, गुरु ग्रंथ साहब जो हमारे सबना के हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के सबनों के सांझे है, और वो बेदबियां हुई जड़ियाँ अपने राज में उनको सजा नहीं दिला दिया, और सस्से वाले साध को 80 लाख का इश्तेहार हमारी SGPC दे के उसको माफ कर दिया इन्होंने, ये क्या बताएंगे पंथक? कुछ और लोग भी जुड़े, उनसे भी जानेंगे कि यहाँ पर असल मुद्दे क्या हैं। कुछ युवा चेहरे हैं, आप बोलना चाहेंगे? अमृतपाल के आने से क्या माहौल बना है, क्योंकि देश में एक मैसेज गया है कि खालिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं, ये देश की एकता के लिए ठीक नहीं है। अब तो यहाँ के लोकल लीडर्स भी बोलने लगे हैं, रवनीत बिट्टू कह रहे कि अगर अमृतपाल जीत गया तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, फिर से आतंकवाद आ जाएगा, फिर से वही हालात बनेंगे जो नहीं बनने चाहिए। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। उसके साथ तो उसने तो एक नशा छुड़ा रहा था और बच्चों को सिख धर्म में जोड़ रहा था, उनको अमृत कह रहा था, और ऐसी बात नहीं, ये सब बकवास कर रहे हैं सब। बेरोजगारी, महंगाई, ये सब इस पे बात नहीं हो रही यहाँ पर कि महंगाई है, बेरोजगारी है या कोई और दूसरे राष्ट्र का देश हित की बात हो, विकास की बात हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम देश को कहाँ ले गए। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, मगर पंजाब का मेन मुद्दा नशे का। जदों हमारी नौजवानी नहीं बजनी तो असी उसे किसी विकास नू किसी रोजगार नू करा, नौजवान तो साढ़े नशे नाल गुलतान होए पए आ। नशे का मुद्दा तो हर सियासी दल उठा रहा है, किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार से आप बात कर लो। ये बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नशा है, और मुद्दा जेड़ा वा साडा मेन बेदबियां दा, नशे दा, जवानी दा ते किसानी दा साडी दा। जे ए जेड़ी है साडी होण दी लड़ाई आ, साडियां दस्तारां दी लड़ाई आ। अमृतपाल अमृत छका रहा सी, केस दाढ़ी दिखा रहा सी, सानू अपनी होंद दे नाल जोड़ रहा सी, इन्हां चुक के उन्होंने डिब्रूगढ़ च सुट्टता। असी अपने जो अपने साडे सिंघां ते जुल्म होया ओहदा जेड़ा वा इंसाफ लवांगे, ओह वी वोट दे नाल। वोट के साथ वो इंसाफ आप लोग लेंगे, लेकिन लोग ये भी बोल रहे कि पहले कहाँ था अमृतपाल, अचानक से आया, दुबई से आया, बाल केश नहीं रखवाए हुए थे, यहाँ अचानक से केश भी रख लिए, वो बाणा भी धारण कर लिया भिंडरा वाला का, वैसा करने भी लगे।
ऐसा तो नहीं है, ऐसा भी इन्हें सिखी का ही काम जोड़े जो नाल जो जरा भी उन्होंने फड़ के उन्हें धक्का किया पांच सात दिन उन्होंने एवं भी फड़ उदन रहा पहले दिन ही तो मुड़ के सरकार ने उन्होंने बदनाम करने वास्ते उन्होंने पांच छह दिन रुपया भाई भाई इतने वेख्या जाता उत्थे वेख्या जाता फिर उतर एनएसएलआर से कोई यहोजा काम नहीं है उन्हें किया। उनको आप कह रहे कि अमृतपाल को सिर्फ बदनाम किया गया, हालात कुछ और थे, वो युवाओं को सही रास्ते पर लेकर आया था, जो युवा भटक गए थे। आप कुछ कहना चाहते थे और मुझे बताइए कि अमृतपाल ही यहाँ पर मुद्दा है, अकाली भी यहाँ से उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं, क्या बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं, क्या वो उन लोगों के बीच में जो मुद्दे उठाए जा रहे वो मुद्दे नहीं है? पहले भी मैंने तुम दसिया भी ये साड़ी होंद की लड़ाई है, साढ़े सिद्धांत की लड़ाई है। जो आपने बाने की गल की है उन्हें भिंडरांवाले का बाना पाया, यह बाना दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह का बख्शिश किया हो, भिंडरांवाले भी उन्होंने बच्चे से, असी सारे भी उन्होंने बच्चे, मैं भी पहला कटिंग सी जदों का अमृतपाल पंजाब दे प्रचार कर रहा, मैं भी उस तो प्रेरित हो गए। चलो ये तो साढ़े कलगियां वाले पातशाह ने सानू सब कुछ दिता, पर प्रेरित करने वाला कोई हुंदा? सानू संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले तो बाद सिख लीडर कोई मिलिया वा तो अमृतपाल सिंह मिलिया वा, असी उसनू वोट पा के MP भी बनावांगे तो जितावांगे तो खालसा राज कायम करांगे। तो इनका यही कहना है कि अमृतपाल सिंह जो है सिखी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी और 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे, 1 तारीख को उससे पहले मतदान होगा, उससे उसको लेकर लोगों में उत्साह है। साथ में जो आरोप विरोधियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये RSS का एजेंट है, इस पर भी लोगों के सामने बहुत सारे सवाल जवाब हमने किए। उनकी तरफ से यही कहा गया कि अमृतपाल हमारी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और बेवजह उसे बदनाम किया गया, अब वोट की ताकत से वो जरूर अपना हक लेंगे।